जनता समाचार में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज की ब्रेकिंग न्यूज। सिंधु बॉर्डर पर किसान पुलिस में बातचीत फेल। दिल्ली आने पर अड़े प्रदर्शनकारी, बोले किसान कानून से दिल्ली के रामलीला मैदान में ही होगी बातचीत। एनसीआर के शहरों से दिल्ली में आज भी प्रवेश नहीं करेगी मेट्रो। किसान आंदोलन के मद्देनजर सीमावर्ती क्षेत्र मैदान में किया संचालन। शाम को हो सकते हैं हालात सामान्य। बिहार में ऑडियो क्लिप पर अब भी सियासत जारी। लल्लन पासवान बोले लालू यादव षड्यंत्र कर रहे थे जिसमें विफल हुए। शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों को भेजी स्कूल बैग पॉलिसी। हर 10 दिन बिना बैग के कक्षा में आएंगे छात्र। छात्रों को छुट्टियों में कराए जा सकते हैं वेकेशनल कोर्स। दिल्ली में रात्रि कर्फ्यू पर 3 से 4 दिन में आएगा फैसला। अदालत ने सरकार की गंभीरता पर उठाए सवाल। केंद्र सरकार में राज्य सरकार लगा सकती है कर्फ्यू। राजस्थान में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए हो रहा है मतदान। 4 पंचायत समितियों के 73 वार्डों में हो रही है वोटिंग। सुबह 7:30 बजे से शाम 5 बजे तक 3,92,558 मतदाता डालेंगे वोट। घरेलू बाजार में फिर पेट्रोल डीजल हुआ महंगा। दिल्ली में आज पेट्रोल 19 पैसे प्रति लीटर हुआ महंगा। डीजल के दाम में 24 पैसे का इजाफा। हड़ताल का बैंकों की कामकाज पर बुरा असर। 18,000 करोड़ का चेक अटका। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं हुआ शामिल। ये थी आज की ब्रेकिंग न्यूज। इंतजार करिए हमारी अगली खबर का। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज़, जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।